मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला है तब से वो कांग्रेस की आंख में खटक रहे, जो कि लाजमी भी है। पूरे 10 साल बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनने वाले भी तो वही हैं। लेकिन एक और बात राहुल गांधी की आंख में बहुत ज्यादा खटकती है, वो है नरेंद्र मोदी सरकार का देश के बड़े उद्योगपतियों को तरजीह देना। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का नाम लिए बगैर तो जैसे सत्ता में बैठी बीजेपी को कोसना राहुल गांधी का पूरा ही नहीं होता। पानी पी पी कर देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार अंबानी अडानी को खूब कोसते हैं राहुल गांधी। ये तक कह देते हैं कि सरकार ही इन उद्योगपतियों के कहने पर चल रही है। लेकिन राहुल गांधी को अंबानी अडानी का नाम लेने से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था, थोड़ा इतिहास में जाना चाहिए था, अपनी ही पार्टी के अडानी अंबानी से रिश्तों को थोड़ा खंगालना चाहिए था, उसके बाद उनका नाम लेकर आज की नरेंद्र मोदी सरकार पर छींटाकशी करनी चाहिए थी। क्योंकि अंबानी आज के नहीं है, बल्कि उनकी दादी के समय पर भी अंबानी अंबानी ही थे और उनकी अपनी दादी का भी उनके साथ उठना बैठना था। जी, देश का पुराना और बड़ा घराना है रिलायंस ग्रुप, जिसके साथ उनकी दादी के भी अच्छे रिश्ते थे। यकीन न हो तो इस तस्वीर को देखिए। 1970 के दशक की इस तस्वीर में इंदिरा गांधी रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के साथ खाना खा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी को यह आईना पीएम मोदी ने भी दिखाने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को इतिहास से थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की सलाह दी थी। मकसद यही था कि राहुल गांधी जाने कि 60 से 80 के दशक के बीच इंदिरा और नेहरू की सरकार को लेकर भी यही कहा जाता था कि वो टाटा और बिड़ला की सरकार। बल्कि एक सच ये भी तो है कि रिलायंस ग्रुप की किस्मत इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के समय पर ही चमकी थी। मतलब आज अंबानी जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी शुरुआत तो इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त ही हुई थी। ये तब की बात है जब सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यान की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया था। 1960 के दशक के अंत में भारत ने औद्योगिकीकरण में पांव जमाने शुरू किए थे। इससे पहले तो कृषि उत्पादों को छोड़ रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों का आयात ही होता था। उस वक्त देश रूसी मॉडल पर काम करता था। वो ऐसा समय था जब भारत पॉलिएस्टर बेस्ड टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल, क्रूड ऑयल से लेकर लगभग सभी चीजों का आयात किया करता था। जब पॉलिएस्टर फिलामेंट यान की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला गया तो फिर टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े समूहों ने भी आवेदन किया था और बाजी मार ले गए थे धीरू भाई अंबानी। रिलायंस को मिला प्लांट लगाने का लाइसेंस। उस वक्त धीरू भाई अंबानी ने ही बाजी मारी थी, उन्हें ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिला था। इसके बाद से रिलायंस ने अपना फोकस बदल दिया था। उसने टेक्सटाइल से पॉलिएस्टर फाइबर की तरफ रुख किया था और इस प्लांट को लगाने के लिए धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने अपनी एमबीए की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस के साथ पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसे सेक्टर्स में कदम रखा था। धीरू भाई अंबानी ने सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध बनाए थे। सत्ता के कई नामी चेहरों के साथ उनका उठना बैठना था, जिनमें से एक थी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी। करीब सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रिलायंस ग्रुप को प्राथमिकता दी गई। वजह सिर्फ उनकी पहुंच नहीं थी बल्कि अंबानी की क्षमता भी थी। मतलब साफ है कि अंबानी आज के नहीं है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की राजनीति में सीधा मोदी से ही नहीं जुड़े बल्कि राहुल की दादी के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखते थे, खुद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और काबिल थे इस मुकाम को हासिल करने के। आज देश के बड़े उद्योगपतियों में अंबानी का नाम शुमार है। देश के टॉप क्लास इंडस्ट्रीज में उनकी गिनती की जाती है। देश से जुड़ी हर समस्या में, देश की हर परेशानी में देश के साथ ये परिवार खड़ा नजर आता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार पर अंबानी के कहने पर चलने का आरोप कैसा लगता है? कैसे राहुल गांधी इतिहास में बिना झांके देश के बड़े उद्योगपतियों को ताक पर लिए रहते हैं? जरूरत है उन्हें नजर घुमाने की, जरूरत है उन्हें अपनी दादी के जमाने को याद करने की, तभी देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर मोदी सरकार का जो रवैया है वो राहुल गांधी को समझ आएगा। और संभव है कि समझते भी हो, बस जनता के मन में अमीरी गरीबी की भावना को और जगह देने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस बात को अच्छी तरह समझना होगा, अच्छी तरह जहन में बैठाना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा हितैषी गरीबों की ही है।
जब से सत्ता में आई है तब से गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि उनके लिए ही तरह तरह की योजनाएं लाकर उन्हें देश में सुरक्षित महसूस कराने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार ये बोलना कि ये सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, राहुल गांधी के काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अब तो जनता भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के कामकाज के स्टाइल को समझ गई है। दोनों में से कौन ज्यादा काबिल है ये भी देश की जनता परख ही चुकी है। फिलहाल राहुल गांधी जरा अंबानी और अपनी दादी के समय को जाकर पढ़ें और थोड़ा ज्ञान अर्जित करें। वैसे आप राहुल गांधी के बार बार अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को कोसने पर नरेंद्र मोदी सरकार को इन बड़े नामों के नाम पर घेरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप राहुल गांधी की सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर कोसने पर किस तरह से भड़ास निकालना चाहेंगे, क्योंकि उनकी दादी ही थी जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते अंबानियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे जो अब तक चले आ रहे हैं। तो फिर किस आधार पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।